जय श्री कृष्णा, राधे राधे। स्वागत है आपका आपके अपने चैनल गॉड हेल्थ एंड ब्यूटी में। दोस्तों, आज की वीडियो में हम जानेंगे अजा एकादशी शुभ मुहूर्त पारण का समय व इससे जुड़ी हुई पौराणिक कथा। पर उससे पहले, यदि अभी तक आपने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज सब्सक्राइब कर ले, और वीडियो अच्छा लगे, हेल्पफुल लगे तो इसे लाइक और शेयर करिएगा फ्रेंड्स और फैमिली के साथ। तो शुरू करते हैं आज का वीडियो। इस साल अजा एकादशी व्रत 30 अगस्त दिन मंगलवार को रखा जाएगा। इस दिन भगवान विष्णु के ऋषिकेश स्वरूप की पूजा की जाती है। तो सबसे पहले जानते हैं अजा एकादशी शुभ मुहूर्त। इस बार भाद्रपद मास के कृष्ण पक्ष की एकादशी तिथि की शुरुआत 22 अगस्त 2022 दिन सोमवार सुबह 3:35 से हो रही है। वहीं इसका समापन 23 अगस्त दिन मंगलवार को सुबह 6:06 से होगा। उदिया तिथि के मुताबिक अजा एकादशी का व्रत 23 अगस्त को रखा जाएगा। पंचांग के अनुसार जो भक्त 23 अगस्त को अजा एकादशी का व्रत रखेंगे, वे 24 अगस्त को व्रत का पारण कर सकते हैं। तो चलिए दोस्तों, अब जानते हैं अजा एकादशी व्रत पारण का समय। एकादशी पारण का समय सुबह 5:55 से सुबह 8:30 तक है। ऐसे में इस दौरान एकादशी व्रत का पारण करना उत्तम रहेगा। धार्मिक मान्यताओं के अनुसार एकादशी व्रत का पारण द्वादशी तिथि में करना शुभ होना होता है। त्रयोदशी तिथि में एकादशी व्रत का पारण करना अशुभ माना जाता है। पौराणिक कथा के अनुसार एक बार युधिष्ठिर ने भगवान श्री कृष्ण से भाद्रपद माह के कृष्ण पक्ष की एकादशी के महत्व के बारे में बताने को कहा। तब श्री कृष्ण ने कहा कि भाद्रपद कृष्ण एकादशी को अजा एकादशी के नाम से जाना जाता है। अजा एकादशी की व्रत इस प्रकार से है। एक समय में हरिश्चंद्र नाम का एक चक्रवर्ती राजा हुआ करता था। किसी कारणवश उसने अपने राज्य को छोड़ दिया, पत्नी बच्चे और स्वयं को भी बेच दिया। राजा हरिश्चंद्र एक चांडाल के यहाँ काम करता था और मृतकों के वस्त्र लेता था। वह हमेशा सत्य के मार्ग पर चलता था। जब वह एकांत में होता था तो इन दुखों से मुक्ति पाने का मार्ग सोचा करता था। वह सोचता था कि क्या ऐसा करे जिसका उसका उद्धार हो सके। वह काफी समय तक इस कार्य में लगा रहा। एक दिन वह चिंतित होकर बैठा था, तभी गौतम ऋषि वहां आए। राजा ने उनको प्रणाम किया। उसने गौतम ऋषि को अपने दुखों के बारे में बताया और इससे उद्धार का मार्ग पूछने लगे। ऋषि ने कहा कि तुम भाग्यशाली हो, क्योंकि आज से 7 दिन बाद भाद्रपद कृष्ण एकादशी यानी अजा एकादशी व्रत आने वाला है। तुम इस व्रत को विधि पूर्वक करो, तुम्हारा कल्याण होगा। इतना कहने के बाद गौतम ऋषि वहां से चले गए। 7 दिन बाद उस राजा ने अजा एकादशी का व्रत रखा और ऋषि के बताए अनुसार ही भगवान विष्णु का पूजन किया और रात्रि जागरण किया। अगले दिन सुबह पारण करने के बाद व्रत को पूरा किया। भगवान विष्णु की कृपा से उसके समस्त पाप नष्ट हो गए और उसे दुखों से मुक्ति मिल गई। स्वर्ग से पुष्प वर्षा होने लगी। उसने देखा कि उसका मुरा हुआ पुत्र फिर से जीवित हो गया और उसकी पत्नी पहले की तरह रानी के समान दिख रही थी। इस व्रत के पुण्य प्रभाव से उसे अपना राज्य दोबारा मिल गया। जीवन के अंत में उसे परिवार सहित स्वर्ग स्थान प्राप्त हुआ। ये राजा एकादशी व्रत के पुण्य फल के प्रभाव से ही था। जो व्यक्ति अजा एकादशी व्रत की कथा को सुनता है व पढ़ता है, उसे अश्वमेघ यज्ञ के बराबर पुण्य प्राप्त होता है। तो फ्रेंड्स, आज की वीडियो में फिलहाल इतना ही। यदि आपको मेरी दी गई जानकारी अच्छी लगी है तो मेरे वीडियो को लाइक करें, शेयर करें फ्रेंड्स और फैमिली के साथ, और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। साथ ही राइट हैंड साइड पे बेल आइकन है, उसे भी प्रेस करें, साथ ही अगली वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आपके पास आ जाए। Thank you so much for watching.